एक बड़ा हादसा होता है जो झूलों में करें, क्या कहना है इस बारे में आपका? बड़ी अम्मा ने पहले से ही कहा, वेदिका को पता है कि बड़ी अम्मा किसी भी तरह आर्या को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो वेदिका पूरी तरह अवेयर तो है इस बात से, तो हर बार वो देखती रहती है कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, कहीं कुछ गलत हो रहा है। जी नमस्कार, ये देखो हमारा कृष्ण भगवान, हमारा लल्ला भी माखन खाने गया है ना। तो बस, तो उसने देख लिया वेदिका ने कि वो झूले में जहाँ से लाइट्स लगी है वहाँ से कहीं से करंट स्पार्क्स आ रहे हैं, तो उसने बचा दिया दोनों को, आर्या और वेद दोनों ही। इसका कुछ जवाब मिलने वाला है बड़ी अम्मा? वेदिका को पता है ये बड़ी अम्मा का ही काम हो सकता है, पर वो श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके, तो शायद जब तक कि कोई प्रूफ ना मिले या जब तक कोई सुराग ना मिले तब तक वो कुछ कर नहीं पाएगी। ओके, दिन ब दिन जैसे जैसे हादसे होते जा रहे हैं वैसे वैसे साहिल भी आपको बचा रहे हैं, काफ़ी नज़दीक भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है वापस एक केमिस्ट्री दिखने में? ये सब जो है वो सिचुएशनल है, दोनों में से कोई ऐसा चाहता नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, या ना वो चाहता है ना मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसकी फैमिली हो गई अभी अलग, वो तो उसके दिल में तो बहुत नफरत है वेदिका के लिए, तो ये जो है सब चीज़ें सिचुएशनल चीज़ें हो रही है कि उसके बच्चे या आर्या और वेद को बजाते बजाते मैं गिर गई, मुझे बजाते बजाते वो मेरे, वो हम दोनों एक साथ गिर गए, तो ये सब सिचुएशंस है, इट्स नथिंग दैट वी वांट कि हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का एक होना अभी फ़िलहाल तो पॉसिबल है। कि लास्टली पूछना चाहिए कि सेलिब्रेशन हो रहा था, कैसा माहौल था शूटिंग के वक्त, कैसा फीलिंग आया आपको शूट करते हुए? ये अरे बहुत मज़ा आया, हम लोग बहुत जब भी मिलते हैं सब पूरा परिवार तो बहुत मज़ा आता है, स्पेशली फंक्शंस में जब सबको कुछ करने को नहीं होता है, सब खड़े ही होते हैं देख रहे होते हैं, तो सब चिल्ड आउट होते हैं, सब बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, तो इट्स गुड फन। थैंक यू सो मच।